एहतजाज हमने लिखाया है, एहतजाज किया। वो कोई इलाका नहीं है, वो कोई एरिया नहीं है। हर दिन हर घंटे में कहीं ना कहीं कर्फ्यू होता है, क्रैकडाउन होता है, अरेस्ट होते हैं, नाइट कर्फ्यू होता है, गिरफ्तारियां होती है और लोग मरते हैं। सिविलियन मरता है, मिलिटेंट मरता है, फौजी मरता है, सिक्योरिटी पुलिस का जवान मरता है। हर दिन ये स्टोरी अखबारों में होती है और इस सरकार को काफ़ी सपोर्ट मिलने के बावजूद ये हालात को दुरुस्त नहीं कर पा रही है और एक गैर यकीनियत का माहौल हर तरफ है। श्रीनगर को पर्टिकुलर इन्हें टारगेट किया है, यरगमाल बनाया है। जब भी कहीं वाका हो तो श्रीनगर में 8 स्टेशनों में कर्फ्यू लगाओ। श्रीनगर का लोगों के कारोबार बंद खराब हो गया, कारीगर परेशान है, मजदूर परेशान है, इंडस्ट्रीज परेशान है, ऑटो वाला परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है। इसके खिलाफ आज देखो इन्होंने खान की कीमत चढ़ाए, 14 रुपये से 40 रुपये तक किया है। आटे की आटा तो गायब है, चावल के दाम चढ़ाए, बिजली के दाम चढ़ाए। इन सारी जो लोगों की परेशानियाँ, आम लोगों की परेशानियाँ, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आज हमने प्रोटेस्ट किया है और इस प्रोटेस्ट को हम और गवर्नर हाउस तक ले रहे हैं और वहाँ फिर सागर साहब, जो कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उसकी बिल राज्यसभा में पास हुई है जेएंडके को एक्सटेंड करने के लिए, उस पर क्या कहेंगे? अगर शबीर साहब आपको याद होगा जब इन्होंने जीएसटी किया, हमने कहा कि इन्होंने दरवाजा खोल दिया। उस वक्त इन्होंने ड्रामाटाइज किया सारी सिचुएशन को। बजाज खोज 101 का यहाँ लागू करना ही 370 की खिलाफ वर्जी थी। बजाज खोज प्रेजिडेंशियल ऑर्डर रिलीज करना ही 370 की खिलाफ वर्जी थी। दरवाजे खुले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वी आर गोइंग बाय द डिक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सागर साहब, इसका फैसला बंद करेंगे, इसका फैसला बंद करेंगे। कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुश द बेल आइकन टू गेट वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन योर स्मार्टफोन।